बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जुबैर मेरा नाम है। इस्लामी जूनियर तलबा पाकिस्तान का रुकन हूँ और इस्लामी जूनियर तलबा की मानसरा जोन की मेरी जिम्मेदारी है। आज आपसे एक अहम मसले के हवाले से बात करनी थी मानसरा की, कि मानसरा में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस तकरीबन यहाँ पर तीन ही कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज है मेरे ख्याल में। तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो अभी फ़ी अनाउंस हुई है बोर्ड की तरफ से, जो नोटिस आया है उसमें जो फ़ी है उससे ज़्यादा तकरीबन कोई 1000 रुपये 1500 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। मसलन अगर फर्स्ट ईयर की 1300 रुपये या प्रैक्टिकल की फ़ी मिला के कुछ 1400 प्लस बन रही है, तो बजाय इसके वो ले रहे हैं कोई 2400 ले रहे हैं, कोई 2500, कोई 2800, तो इस तरह की फीसेस ले रहे हैं ना। तो अभी हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ ये है कि हम कॉलेज का ना ही अभी नाम ले रहे हैं और ना ही हम बता रहे हैं, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि फीस भी कम की जाए और तलबा के साथ आप वो रवैया रखें जो कि मुनासिब रवैया है। आप अगर कोई आपको अप्लीकेशन दे कि फ़ीस कम की जाए तो आप उसको धमकियाँ दें, कॉलेज से निकाल दें, आप उसको कहें कि आप यहाँ नहीं किसी और कॉलेज में चले जाएं जहाँ आपको आपकी मर्ज़ी की फ़ीस अदा करें, तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से भी, कॉलेज से भी और बाकी जो कॉलेज की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उनसे भी, कि आप इस मसले को हल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा के साथ नाइंसाफियाँ ज़्यादतियाँ बिल्कुल ना हों। आप प्राइवेट सेक्टर अगर बकौल उनके वो खिदमत कर रहे हैं तो उस खिदमत का हक अदा करें और बिल्कुल इसको अंधेर नगरी ना बनाएं कि जिसकी जो मर्ज़ी का वही करता जाए, बल्कि इन ज़्यादतियों को रोकें और तलबा के साथ मुनसिफाना रवैया रखें। और बाकी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, मानसरा गवर्नमेंट GPGC मानसरा वो बॉयज़ कॉलेज है, लेकिन अभी उसको बहुत जल्द तो तकरीबन गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनने वाला है। गर्ल्स का डिग्री कॉलेज होने के बावजूद वहाँ पर गर्ल्स की ही अक्सरियत है, बजाय आप वहाँ के क्लासेस स्टार्ट करें BS की और वहाँ पर, ताकि तलबा जो दूर दराज से आते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद यहाँ की होने की वजह से वहाँ पर मेरिट हाई होता है और फिर वो गरीब तलबा ही इन प्राइवेट कॉलेज की तरफ आते हैं, वहाँ पर मेरिट हाई होता है, तो यहाँ पर फीसेस का ये हाल हो। बाकी भी लूट मार तो अलग है, लेकिन जो बोर्ड की तरफ से नोटिस है उसके होने के बावजूद आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। आप मुख्तलिफ बहाने करके तालिबे इल्म से 1400 के बजाय 3000 2400 लें, सरासर नाइंसाफ़ी है। हम तलबा से भी यही अपील करते हैं, आज अपने मसाइल में आज का तालिबे इल्म खुद सबसे बड़ी रुकावट है, कि आज रेड़ी वाले को एहसास है, एक तंदूर वाले को एहसास है कि आटा 100 रुपये महंगा हो गया, 200 महंगा हो गया, तो तंदूर बंद करके एहतजाज करते हैं और जब तक रोटी महंगी ना हो जाए दोबारा तंदूर नहीं खोलते। रेड़ी वाले की यूनियन मौजूद है, रिक्शे वाले की, सुजुकी वाले की, टैक्सी वाले की यूनियन मौजूद है और तलबा वो वाहिद लाचार तबका है जिसको अपने हकूक का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, कौन कब जिस तरह जो मांग ले वो दे दिया जाता है, हकूक का एहसास तक नहीं है। तो तालिबे इल्मों से हमारी यही गुजारिश है कि वो इसमें हमारा साथ दें, वो जहाँ तक अगर हम एहतजाज करें तो एहतजाज में हमारा साथ दें। इंतज़ामिया से हम इंशाल्लाह मिलेंगे इसी मामले में, तो वो हमारा इसमें भरपूर साथ दें और इस बात को यकीनी बनाएंगे हम इंशाल्लाह कि मसला सब जल्द से जल्द हल हो जाए। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, कौन कब जिस तरह जो मांग ले वो दे दिया जाता है, हकूक का एहसास तक नहीं है। तो तालिबे इल्मों से हमारी यही गुजारिश है कि वो इसमें हमारा साथ दें, वो जहाँ तक अगर हम एहतजाज करें तो एहतजाज में हमारा साथ दें। इंतज़ामिया से हम इंशाल्लाह मिलेंगे इसी मामले में, तो वो हमारा इसमें भरपूर साथ दें और इस बात को यकीनी बनाएंगे हम इंशाल्लाह कि मसला सब जल्द से जल्द हल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह।